सलाम वालेकुम रहमान भाई। अरे वालेकुम सलाम, क्या बोल रहा धन? बड़े दिनों बाद। अरे दिन तो निकल गए, रात निकल गई, अभी रात बाकी है, बात बाकी है और माशाल्लाह मुलाकात बाकी है जी, और सबका साथ बाकी है। ओहो क्या शायरी बोल दिया फिर से रहमान मिस्त्री, स्पाइसी हो गया। सो वेलकम बैक टू मिस्टर ब्लॉगर। सो पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा मिस्टर ब्लॉगर भाई, हैट्स ऑफ। आज का जो हमारा ट्रीजर हुआ है जी, वो काबिले तारीफ है और उसके पीछे मेहनत भी मैंने देखा हो कि लगती है भाई मेहनत, ऐसी नहीं है कि भाई आपने बना लिए, वीडियो के पीछे बहुत भागदौड़ होती है। अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा, और इंशाल्लाह ट्रेलर भी आने वाला है इंशाल्लाह, और ये वीडियो भी हम जो बनाने वाले वो भी माशाल्लाह अच्छा होगा। एंड हम आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे हमारे पार्टनर से फिरोज भाई से, एंड वो एक्चुअली थोड़ा कैमरा शाय है बट ठीक है, बट आज ओपनिंग है तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आपको कैमरा में आना पड़ेगा एंड आपको सामने आना पड़ेगा, तो वो आएंगे और इंशाल्लाह थोड़ा सवाल मैं जैसा बोल लेता हूँ वैसा वो उतना नहीं बोल पाते, लेकिन थोड़ा आप थोड़ा सवाल थोड़ा अच्छा से करना सारा एकदम टकाटक। सलामुअलैकुम फिरोज भाई। सलामुअलैकुम फिरोज भाई। तो रहमान भाई एक चीज बोलना चाहूंगा, फिरोज भाई के चेहरे पर हंसी लाने का एक डायलॉग है मेरा, वो मैं हमेशा मारता हूँ और फिरोज भाई को हमेशा पसंद आता है। क्या है? अभी टिक करके दे दो जब भी बोलो फिरोज भाई हंसते, सो ये इनको पसंद है। और एक एक्सट्रीम ये दो चीज हमने बहुत राजस्थान में किए माशाल्लाह। अभी हम इनका साथ ये जो एमएम एग्रो फार्म वैल्यू फॉर क्वालिटी जो है एग्रो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग इंशाल्लाह बकरी ईद बाद हमारा दो महीने बाद या तीन महीने बाद हम लोग हरी पत्ती का भी सप्लाई यहाँ से इंशाल्लाह होगा ऑल ओवर बॉम्बे में, पड़गा में, और लोकली भी चाहिए किसी को तो हम इंशाल्लाह हम लोग गोरेगांव से भी अवेलेबल कराएंगे। हमारा फ्यूचर प्लान है, हमारे गोरेगांव में ऑलरेडी एक जगह है माशाल्लाह, तो वहाँ से भी हम लोग लोकली सप्लाई हरी पत्ती का करेंगे, तो एग्रो इसलिए क्वालिटी है एंड बाकी वैल्यू फॉर मनी तो है। सो चलो आप सवाल करिए भाई जी। सबसे पहले तो मैं बोर्ड देख रहा हूँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है यार, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। कॉम्बिनेशन मैंने थोड़ा बहुत मैं बोलना चाहूंगा कि मुझको अलशेख मेरे हमारे जो अच्छे भाई है वो भी ऑन द वे है, उनका भी मेरे को थीम अच्छी लगी थी एंड तो मैंने इसके लिए ये चीज को मैंने अप्लाई किया माशाल्लाह। वैसे रमन भाई मैं देख रहा हूँ चैप्टर टू, क्या बात है चैप्टर टू? चैप्टर टू मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि चैप्टर वन मेरा जो था वो क्लोज हुआ है, चैप्टर टू हमने एक नई शुरुआत की है और हमारे चैप्टर टू की भी हमारी जो जर्नी थी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और हमने काफी अच्छा वक्त गुजारा। आई डोंट हैव एनी इश्यूज एंड एनीथिंग टू से अबाउट चैप्टर वन। चैप्टर टू हमने बिस्मिल्लाह किया है और हमारा जो फोकस है मेरा और फिरोज भाई का कि हम लोग इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हमारे को बहुत कुछ आगे करना है, पलाई से लेके केजेस से लेके कूटे से लेके कश्ती का सेटअप से लेके देयर आर मेनी थिंग्स वी आर प्लानिंग हम लोग जो करने वाले हैं इंशाल्लाह आगे। सो हमको चैप्टर वन से भी हम खुश थे, चैप्टर टू से भी हम खुश है और हम चाहेंगे कि चैप्टर टू को भी हम उसी मुकाम पे लेके जाए आगे जाके इंशाल्लाह। सो हमसे कोई हमको किसी से ना इत्तेफाकी कोई नहीं है, वी आर ऑल ब्रदर्स और सब मुसलमान जितने भी मोमिन भाई है सब नबी की उम्मत वाले, तो सभी से मोहब्बत है भाई, किसी से कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। और प्लीज मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि भाई हो सके उतना हम लोग जोड़ रखेंगे अच्छा है, हम लोग मेरे फार्म पे वेलकम है, एनी टाइम आप लोग आ सकते हो मिलने के लिए, आओ बैठो चाय पियो, आप बकरे लो जैसा है शौक करो, किसी को भी मेरे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं आना ये वो नहीं आना, सभी को हमारे फार्म पे एंट्री है। ये मेरा अकेले का फार्म नहीं, फिरोज भाई का ही फार्म है, इम्तियाज भाई का ही फार्म है, इलियास भाई का फार्म है, मेरा भाई इम्तियाज उसका ही फार्म है, तो यह काफी लोग जुड़े हुए और ARM चैप्टर टू के साथ में MM भी जुड़ा हुआ है जी। सो लोगों को यही मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दोनों जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सो ये जो जॉइंट वेंचर जो है ये हाथ जो मिले हुए हैं ये साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा आप लोग दोनों की रिस्पेक्ट, दोनों की इज्जत एक साथ में जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है, हमारे साथ में फिरोज भाई खड़े जी। तो आप फिरोज भाई से सवाल जवाब कर सकते हैं और हाँ मैं ये बोलना चाहूंगा हमारे यहाँ से आप लोग को किसी को भी कोई भी तरह से कोई भी गलत चीज ना जाएगी, ना हम लोग कोई चीज गलत सामने से लेंगे, ये हमारे लिए एक उतना गठबंधन है, पत्थर की लकीर हो गई है। हाँ बस हम लोग एक मोहब्बत शेयर करने के लिए आए और हम लोग मोहब्बत शेयर करेंगे और हम लोग सभी के लिए वेलकम है। सो मैंने ये नियत किया था इस फार्म के नाम पे कि हम लोग सबसे नाइत्तेफाकी खत्म करेंगे और वो हम लोग कर रहे हैं। तो फिरोज भाई का क्या रोल है थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा फिरोज भाई से। फिरोज भाई बताइए, फिरोज भाई का रोल, भाई फिरोज भाई का रोल बहुत अलग ही रोल है। फिरोज भाई के ऑलरेडी काफी बड़े बिजनेसेस हैं जो वो संभालते हैं, ये बस इतना है कि उनको शौक था कि रहमान भाई के मेरे साथ में वो जुड़े हुए हैं और मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो इम्तियाज भाई खड़े हैं, इलियास भी है माशाल्लाह, तो ये हमारी एक टीम ही है जो हमारे साथ में खड़ी रहेगी। बुलाना चाहेंगे उनको? बुलाना चाहेंगे, बुलाना चाहूंगा इम्तियाज भाई को, जरूर बुलाना। इम्तियाज भाई जी, तो इम्तियाज भाई भी इसमें ही है, रोल क्या है इनका? ये टीम जो है जी, फिरोज भाई, इम्तियाज भाई, इलियास भाई भी आना चाहेंगे, इलियास भाई प्लीज, इलियास भाई को बुला लेते हो, वो भी आएंगे।
सो ये हमारी टीम है और हम लोग सब साथ में मिलकर करने वाले। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं सीरियसली बोलना चाहूंगा, फिरोज भाई नहीं बोलते लेकिन इनका एक्सपीरियंस हैट्स ऑफ। मैं जब इनके साथ में ट्रैवल किया हूँ कितनी जगह पे तो मेरे को जानता भी नहीं था, छाछ और चाय आ गई। मेरे को बराबर बोला था घर के बाहर, यहाँ क्या पियोगे, छाछ पियोगे चाय पियोगे? मैं बोला यहाँ छाछ पियूंगा। इधर चाय पीने की बात की तो उधर चाय मिली। तो मतलब जो रिस्पेक्ट फिरोज भाई की जंगल में है, और जंगल ऐसा वैसा जंगल नहीं है, वो जाटों का जंगल है। जाने से पहले आपको एंटर ऑन योर ओन रिस्क वाला सीन है। अच्छा, बोल दो तो वहां से बाहर नहीं आ सकते। वो जगह पे लेके गए, मैं तो बैठ गई थी आधी रात को, बोला भाई होटल भागो, जगह ही ऐसी है। सो थोड़ा बहुत हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीखने मिला, मैंने भी थोड़ा ब्लेंड किया अपने आप को, बिकॉज मेरे लिए वो दुनिया नहीं थी। लेकिन फिरोज भाई से मेरे को बहुत सीखने मिला, उनकी रिस्पेक्ट जो मैंने वहां पर देखा जंगल में वो अलग ही लेवल पे। इवन गुजरात में उनकी रिस्पेक्ट अलग है हर जगह पे, मतलब फिरोज भाई को हर कोई जानता है, वो जोगेश्वरी हो, वो नागपाड़ा हो, वो ऑल ओवर बॉम्बे हो, सब उनको जानते हैं माशाल्लाह। रहमान भाई के साथ में आप जुड़ चुके हो अभी, तो क्या इंटेंशन क्या है आपका, मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या है? बस एक्चुअली ये नई तरीके से शुरुआत कर रहा है, क्योंकि फार्म तो पहले से था जी, तो हमने सोचा इनको साथ में लेके और थोड़ा आगे बढ़ाए, फैलाए। और एग्रो फार्म्स मतलब किस चीज में आप लोग डील करते हो, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में करते हो कि फीड का काम है? हरी पत्ती का है, चिकन का भी है, ओके, मटन का है, सब ओवरऑल। अगर होलसेल में भी आपको बकरे चाहिए वो भी मिलेंगे, होलसेल में गोश्त भी चाहिए वो भी मिलेगा, ओके, सब है, मतलब ओवरऑल सब है। तो आपको एनी टाइम कॉन्टेक्ट नंबर मेरा और फिरोज भाई का रहेगा इंशाल्लाह, और इमतियाज भाई का भी मैं एक बैकअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो कभी कोई मिस हो जाए तो कर लेंगे। हम इलियास भाई से मिलना चाहेंगे, इलियास प्लीज आइए, ये हमारे बहुत शौकीन, हम सबसे छोटे भाई है। और अस्सलाम वालेकुम, शौक हम यहाँ पर करेंगे, और मैं इनसे महीना 3500 पढ़ाई लूंगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा पढ़ाई में। सो इनके जितने भी इनके शौक है माशाल्लाह, और ये इनके बड़े भाई है फिरोज भाई और इंशाल भाई, और माशाल्लाह इनका लड़के हैं तो इनका शौक होता है। हालांकि इनके थॉट के हिसाब से कि भाई ये इतना बकरा क्यों पाल रहे हैं, तो लेकिन इसका शौक है, तो हम लोग इलियास भाई का शौक यहाँ पर करेंगे। तो ये टीम है आज जो चारों हम लोग खड़े हैं माशाल्लाह, टीम है, मेरा भाई यहाँ पर अभी तक आया नहीं, ऑन द वे है। सो ये पांच उंगली के पांच हाथ है तो मुट्ठी बनती है, सो ये मुट्ठी इंशाल्लाह बनी है तो खुलेगी नहीं इंशाल्लाह। सो ये पांच हाथ की मुट्ठी है, मैं ये लोगों को मैसेज देना चाहता था, इंशाल्लाह मेरे चैनल पे भी यही आएगा, थोड़ा सा क्लिप्स ले लूंगा भाई, बिकॉज ज्यादा बोलते बोलते ना मेरे को एनर्जी खत्म हो जाएगी। अच्छा रहमान भाई, वैसे मैं यहाँ पे मिसिंग चीज देख रहा हूँ, बहुत सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। अच्छा अंडुल बकरे नहीं है? अंडू बकरे, ये एक्चुअली ना मैं काफी दिन से ये एक सवाल चल रहा है, बट यस अंडू बकरे आएंगे, एंड अभी फिलहाल हमारा जो एंटर था वो कस्सी से था, बट इंशाल्लाह कम टाइम बचा है हम लोग अंडू लॉन्च करने का, बट फिर क्या बोलते अगले साल अंडू मिलेंगे इंशाल्लाह, बड़े से बड़े अंडू, क्या बोलते सब, तो सब बकरे आने वाले हैं। थोड़ा सा ये साल मेरे को माफ करना कि मैंने आप लोग का जो अंडू का शौक नहीं करवा पाया, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आप लोग को वैसे इतने अर्जेंसी में फार्म खोलने की वजह, मतलब बकरा ईद अभी समझ जाइए 15 दिन है, 15-20 दिन जी, जी जी, और अर्जेंसी में आपने फार्म ओपन कर दिया एकदम से, वेरी नाइस, इनके सवाल बढ़ते जा रहे हैं, आई लाइक इट। सो ये अर्जेंसी में इसलिए खोलना गया था कि हम लोग का जो फार्म का सेटअप था ये बना बनाया था, एंड माल ऑलरेडी हमने परचेस कर लिए थे, ठीक है। सो वो माल आने के लिए हम लोग को बारिश वहां पर ना हो, तो हम लोग सोचे थे कि हमारे यहाँ मंगा के यहाँ सेट करके यहाँ बेचेंगे, तो इमीडिएटली माल भी आ गया। जब माल आ ही गया, फार्म का पेंडिंग हो ही गई है, तो फिर अर्जेंसी में खोल ही देते ना, फिर क्या करेंगे, ईद बात खुली क्या करेंगे, क्या करेंगे ना, ईद बात तो फिर घूमने जाएंगे महाबलेश्वर मातृराज, फार्म क्या करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अर्जेंसी में इसलिए खोल दिए, ठीक है। तो चलते चलते बात करते थोड़ा अंदर, नया चीज नया है तो नए नए चीजें रहेंगे, तो थोड़ा पानी वानी पी लेंगे हम लोग, ओके आप पानी पी लीजिए, हाँ पानी पी लीजिए, पानी वगैरह पी लिए एकदम फुल फ्रेश, हाँ फ्रेश फ्रेश। लेकिन हम लोग फिरोज भाई को लेना चाहेंगे थोड़ा, उनका एक्सपीरियंस पूछना चाहेंगे। फिरोज भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप, मैं देख रहा हूँ कि खस्सी का काफी शौक करते हो, तो आप बेसिकली बकरे जब खरीदने जाते हो आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्या देखते हो आप? ज्यादा करके खूबसूरत खस्सी, अंडू में थोड़ा सा मतलब मुझे जो इंटरेस्ट नहीं है जी, हमारे जो पार्टनर है उनको ज्यादा इंटरेस्ट है जी, तो कैसा है जो इनको इंटरेस्ट है वो इनके पास, जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरे पास जी। अब दोनों इंटरेस्ट जब मिलेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, अच्छा ही होगा। वैसे काफी सारे आप प्लान्स जो है आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जैसे अलग अलग सेक्शंस जो आपका बहुत लोगों को पसंद है कि जैसे कोटा बकरे एकदम अलग हो, फिर उसके बाद में एक्सोटिक्स अलग हो, फिर अंडू में भी आप काफ़ी पार्टीशंस में रखते हो बकरे, तो वैसा कुछ
देखो ऐसा है कि सेक्शन वाइज जो मेरा शौक था, जो लोगों ने मुझे देखा है मतलब पालते हुए और संभालते हुए, तो इंशाल्लाह मैं वो रिक्रिएट करूंगा। बट विल मेक श्योर दैट मेरे जो केज बनने वाले हैं, हम लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेट किया इसके पीछे। मैं एक्चुअली केज नहीं बनाया इसी वजह से कि हम लोग इन्वेस्टिगेट किए और कैसा कर रहा है, थोड़ा सा हम लोग उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएंगे। साइज ऑफ केज विल बी डिफरेंट, पानी पीने का तरीका, अनाज खाने का तरीका, वो सब चेंज करेंगे। पाइप जो रॉड यूज करने वाले सलीम भाई हमको उसमें हेल्प करने वाले केजेस के लिए, तो हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाएंगे। तो केज कैसा हम लोग को सेटअप करना है, कैसा बनाना है, तो वो थोड़ा पब्लिक को अच्छा लगे। फिरोज भाई से पूछूंगा, आप फीड पे काफी ध्यान दे रहे हो, मैं शाम से देख रहा हूँ आपको कि आप फीड पे काफी फोकस हो, तो क्या इसमें कुछ इसकी बैक स्टोरी है? बैक स्टोरी नहीं, जैसे कि अब जैसा कि ये जो खस्सी बकरा है जी, ठीक है, अगर इसके फीड मेंटेन बराबर नहीं रखेंगे, टाइम टेबल अगर इसका बिगाड़ेंगे तो ये वेट लॉस पे जाएगा। इसकी जो मेन अंडू बकरे के कैसा होता है, एक दो घंटा आगे पीछे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, खस्सी में ये एक डिफरेंट है कि इसको जो है ना टाइम टेबल पे सही होता है, बस यही और कुछ यही एक मेन फोकस रखते हो आप। तो आप सिस्टम जो है टाइमिंग पे बकरे को अनाज दो और वो अनाज दो जो उसका साल भर की फीड की फेवरेट है। ओके। और सही टाइम पे पानी सही टाइम पे अनाज, अगर तुम्हें एक घंटा भी आगे पीछे कर दे तो अनाज नहीं खाएगा। और फिलहाल धंधा है वेट किलो पे बेचने का, तो किलो पे अगर ऐसा करोगे तो फिर ऑब्वियसली वेट लॉस होगा, तो नुकसान नहीं। ये आपको कैसा मतलब, आप जब फिरोज भाई से जुड़े तो आपको जब ये सब चीजें नहीं लगी आपको, क्योंकि आपका मतलब मजे की तरीके से आप काम करते थे अभी, लेकिन ये एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से काम करते हैं। मैंने यही बोला कि मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बिकॉज ये कस्सी के अंदर मैंने इतना एक्सपर्ट नहीं था जी, बट फिरोज भाई का मार्शल एक्सपीरियंस है। एंड अब उनको मैंने कस्सी ऐसा नहीं कि नहीं पाला, मैंने भी 50 साल कस्सी पाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बने। बट चमक लाने के लिए और वो करने के लिए जो चाहिए, और जैसे कि अभी जो माल जहाँ से आया वहाँ से चमक अलग है, तो उस चमक को मेंटेन करना, बहुत कुछ मेरे को फिरोज भाई सीखने मिला। एंड इंशाल्लाह अंडू का शौक मैं इनको शेयर करूंगा, कस्सी का शौक वो मेरे को शेयर करेंगे, इसी बीच में ये जो ज्वाइन हैंड जो बोल रहे हैं वो मजा आ जाएगा। जो उन्होंने बोले कि दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तो ऑब्वियसली फार्म पे कस्सी वालों का भी शौक उठेगा, अंडू वाले का भी शौक। तो आपकी अभी कंप्लेंट जो थी वो खत्म हो जाएगी कि अब खस्सी बकरे नहीं रहते आपके फार्म पे? नहीं नहीं, अभी तो माशाल्लाह कस्सी मिलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो साइज के कस्सी है तुम्हारे चैनल पे इंशाल्लाह दिखेंगे, इंशाल्लाह ये अब एक बार दिन में भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जो साइज है और जो फ्रेम है, जो मैं एक्चुअली कस्सी देखने के बाद मेरे को थोड़ा कस्सी में इंटरेस्ट आने लगा, बिकॉज जो साइज से हमने कस्सी लाए वो फिलहाल मेरे को तो अभी कहीं नहीं दिखे, सबके पास हो गए, बट अभी फिलहाल टॉप मोस्ट क्वालिटी कस्सी बराबर। तो फिरोज भाई बेसिकली अभी बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट भी होता है, जैसे रहमान भाई भी शौकीन है गुजरी के, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सिर्फ वाइट बकरे हैं, तो आपको क्या गुजरी बकरे नहीं पसंद? नहीं, गुजरी बकरे का भी स्टॉक है मेरे पास। अच्छा, अगर उसके लिए करीबन ये समझ लिए कि 10 दिन और लगेंगे। 10 दिन और लगेंगे, तो वो भी सब बिग शॉट बकरे। 10 दिन में इंशाल्लाह जो है 120 किलो 150 किलो तक का माल है हमारा, 150 किलो तक का माल है। तो इतने ईयर भी था मेरे पास जी, नेक्स्ट ईयर भी था, करीबन मेरे पास 150 बकरे थे जी, 100 प्लस 100 प्लस। ये साल बोला जा रहा है कि मार्केट में बकरे नहीं है, बाजार में बकरे महंगे हैं, देवनार लगने वाला है, माल की शॉर्टेज तो है, ये बात तो सही है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो काफी महंगा है। अच्छा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखे जाएंगे तो हरी पत्ती का जो रेट था वो मतलब 3 गुना बढ़ गया। राइट, जो है बार्ली वो मतलब डबल हो गया, ये समझ लीजिए। इसके वजह से जो किसान है वो बकरा पाला नहीं। ये बोला जा रहा है कि हरी पत्ती का स्टॉक तो है, काफी फीड वाले लोग से मैंने ये उनका फीडबैक सुना कि फीड तो है लेकिन भेज नहीं रहे, और भेज रहे हैं प्लस उन लोग बड़े दाम में बेच रहे हैं, तो इस पे ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या हो गया, राजस्थान में जब फीड जो निकलने का, जो हरी पत्ती निकलने का वक्त आया था जी, उस टाइम पे कुछ बारिश हो गई वहाँ पे, उस वजह से काफी माल बिगड़ गया इनका, खराब हो गया। ओके, ये डिमांड जो है इसलिए है, कुछ माल खराब हो गया। तो आपको नहीं लगता है इससे लोगों का शौक मर रहा है? शौक मरना, देखो अभी जिसको शौक, क्योंकि काफी फार्म वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे। रहमान भाई जैसे आप भी मुझसे रिलेट करोगे, फीड बढ़ने से बकरों के रेट भी बढ़ते हैं, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन फीड बढ़ने से जो घर पे भी शौक करते हैं, जो फार्म पे भी शौक करते हैं, उतना नहीं रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते, तो बहुत सारे फार्म साल ये बात तो देखने में मिली है जी। तो इस पे कुछ आप जैसे फार्मर्स लोग आवाज उठाओगे? देखो आवाज उठाने वाली बात नहीं है, देखो अभी मैंने जैसे कि हम लोग नागौर में थे जी, एक जाट ने हमको एक बहुत अच्छी सवाल किया था, जब हम लोग उसके खिजड़ा जो हरी पत्ती खिजड़ा बोल खिजड़ी 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 जो झाड़ का नाम है वहाँ, जब मैंने बोला भाई खिजड़ी का झाड़ आप लोग यहाँ पर इतना झाड़ है, इतना कुछ है, तो आप लोग महंगी क्यों? तो उन्होंने एक अच्छा सवाल किया, बोले भाई हम लोग को जो पहले 300 रुपये 400 रुपये लेबर लगता था पत्ती का तोड़ना साफ करना, जो आदमी लोग आज वो 1000 रुपये ले रहे, सो दैट मीन्स डबल रेट ऑफ लेबर क्यों बढ़ा?
ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर आप देखो सब चीज महंगी हो गई, राइट। तो लेबर भी आज वो 400 में उसका घर चल रहा है, दाल महंगी, चाय महंगी, हरी पत्ती महंगी, सब महंगा। तो वो 300 रुपए में क्यों हरी पत्ती के झाड़ काटेगा? वो भी डबल ही करने वाला है। तो अगर वो डबल करेगा तो हरी पत्ती जो महंगी होने वाली है, राइट। इवन तो हरी पत्ती झाड़ से उतरेगी लेकिन लेबर बढ़ गया, तो लेबर बढ़ने की वजह से हरी पत्ती का अभी तुम्हें क्या लगता है अगले साल हरी पत्ती सस्ती हो जाने वाली? नहीं होगी। जो रेट हरी पत्ती 11 रुपए मिलती थी ना, मेरे को लगता है हिस्ट्री अभी नहीं मिलेगी। वो कम से कम हो सकती है 18 रुपए से जाएगी, 17 रुपए जाएगी, उससे कम तो नहीं आने वाली जी। तो वो पकड़ के चलो। और बात रही बकरों की फीड की, तो बस पलाई बढ़ानी पड़ेगी 2,000-2,500 में। मेरे को ही लगता हरी पत्ती खिला के आप बकरा भी बना पाओगे और पैसा भी कमा पाओगे, तो वो मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है। तो कम से कम 3,000 का अगर वैल्यू है, अगर 3,500 है, तो ही आप कहीं ना कहीं फीड कर पाओगे। 2,500 में हरी पत्ती 33 रुपए किलो से 35 रुपए किलो है, तो वो बढ़ोड़ेगा ही ना, जाओ बढ़ोड़े। इवन गेहूं भी महंगा हो चुका है, इवन मक्का भी 27-28-30 रुपए तक जाता है जी। तो वो जरूरी है। और एक चीज आपने स्टार्टिंग में बोली थी कि गोरेगांव में भी अवेलेबल करवाओगे जी, तो वो कब से मिलेगा लोगों को? एक तारीख के बाद, 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई, 1 जुलाई से हमारा जो स्टॉक है जोगेश्वरी का जो स्टॉक है वो 1 जुलाई को हमारे अराइवल हो जाएगा। अराइवल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े बकरे देख लेंगे अगर इजाजत हो तो। वैसे कितने दिन से आ गए बकरे रहमान भाई अपने पास? ये 14 दिन आ गए। 14 दिन हो गए, 14 फोर्थ डे। तो कैसे चल रहे बकरे? मैं पूछना चाहूंगा फिरोज भाई को, खस्सी एक्सपर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मतलब जो मेहनत है वो रंग लाई है जी, आगे अल्लाह मालिक। बाकी मतलब ऐसे कुछ बारिश की वजह से कुछ इश्यूज देखने नहीं मिले? नहीं नहीं, बारिश के पहले ही आ गया था माल। बारिश के पहले फर्स्ट टाइम फिरोज भाई ने माल बिफोर टाइम उतारे, हमेशा 10 दिन पहले आता था। अच्छा। इस बार हमने 1 महीना पहले लेके, 1 महीना पहले, एक महीना पहले। हमारा जो हर साल का जो है करीबन खस्सी का जो मेरा 600-700 नंग का जो हर साल टारगेट रहता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 15-12 दिन पहले वहाँ से स्टॉक को जो है मतलब लोड करते हैं और यहाँ पे 10-12 दिन पहले आ जाता है। ये अभी तक रहमान भाई फार्म हाईलाइट में नहीं आया, इतना बड़ा फार्म जी था। हाईलाइट में इसलिए नहीं आया था कि फिरोज भाई की ये फैमिली फार्म है, फ्रेंकली बताओ तो ये फैमिली के लिए एक सेकेंड होम बनाए थे। अच्छा। ठीक है। और ये बाड़ा भी इनका जो बना था पहले, ये पोल्ट्री फार्म था बहुत 60 में, उसके हिसाब से देखिए आप जाली जो लगी है उसी हिसाब से था। उसके बाद में इन्होंने वो बंद करके अपने दुकान के जो बकरे जो होते थे वो बेसिक होलसेल का वो आता था, वो माल बिकता था, बट इट वाज कैजुअल, नथिंग क्या यहाँ से बहुत कमाई हो रही है ना, ऑल दैट। ये एक सेकंड होम था और साल में 1-2 बार आते, बट मेरे भाई से मुलाकात हुई, मैं किसी को बताया बेटे फार्म था, सेटअप बना हुआ था, मुझे भी एंटर करना था, इनको साथ में जुड़ना था, वो दोनों साथ में हो गया और एंड में ये फार्म माशाल्लाह अल्लाह करम से, मैं तो बोलता हूँ ये हफ्ते भर के अंदर फार्म खड़ा हुआ है, राइट। अभी भी काम चालू है, अभी भी मेरे को लगता है अगले 10 दिन और काम चलेगा। सो हम बकरे भी बेचेंगे, हमारा फार्म का काम भी चलेगा इंशाल्लाह, केजेस का भी काम, सब काम होगा। और पलाई पे कब से लेना स्टार्ट करोगे? पलाई हम लोग 10 दिन बाद इंशाल्लाह, 10-15 दिन के अंदर हम लोग। हालांकि पलाई मेरे को ऑलरेडी बुकिंग आ रही थी लेकिन मैंने रोक के रखा, तो भाई यहाँ बैठे थे बकरे ऑलरेडी खड़े होंगे, तो बोले भाई लेके आओ के बाद रुको, मेरा फिलहाल एक सेटअप हो जाए, मैं आपसे मंगाना चालू करूँ। कस्सी के लिए मैं पलाई तो कल भी ले लूंगा, आज भी लूंगा, हमेशा लूंगा। अंडों के लिए मेरे को थोड़ा सा आई डोंट वांट टेक, भाई ले लो लाके बकरा नहीं खराब करना है। एक बार मेरा सेटअप आ जाता है मैं बकरे मंगाना शुरू कर दूंगा, इंशाल्लाह पलाई चालू करूंगा इंशाल्लाह। तो चलते अंदर। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, मैं देख रहा हूँ बकरों के वेट वगैरह में और हाइट वगैरह में। जी जी, ये हमने ना माशाल्लाह ये बकरे 70-80 से 90 बकरे का बाड़ा है, हमने इसमें सिर्फ 60 बकरे डाले, 60 बकरे 20 बकरे का स्पेस रखिए कि बकरे लोग को बाहर आवे तो इजीली कंफर्टेबल देखे, बकरे बैठे हैं तो यहाँ इजीली बैठा है, तो वहाँ सो रहा है, तो वहाँ टांग निकाल के लेटा हुआ है, वहाँ आराम से बैठा हुआ है। तो ये क्या है, बकरे को जितना आप खुश रखोगे उतना वेट गेन मिलेगा। मेरा एक उसूल है, आई डोंट नो कस्सी का लोगों के, मेरी साइंस है कस्सी के हिसाब से, जानवर अगर खुश है वो वेट गेन देगा, जानवर नाखुश है, जगह से अनकंफर्ट है, उसको पैर में दर्द दे रहा है और उसको एनवायरनमेंट नहीं जम रहा है, उसको जगह अनकंफर्ट, तो वो खुद में खुद डिप्रेशन में आता है और डिप्रेशन में खाना छोड़ा। तो ये साल मैं देख रहा हूँ आपका माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है रहमान भाई, अल्लाह ने किया भाई। पूरा जो आपका जो बिहेवियर था अब शायद फिरोज भाई के अंडर आकर के आप एकदम से थोड़ा सा नहीं, बहुत कुछ मैं फ्रेंकली बताऊं, मैंने लास्ट 1 हफ्ते में मैं फिरोज भाई को आज तक नहीं बोला, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, बहुत कुछ सीखने मिला जी। एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट, जहां पर आपको जब कुछ सीखने मिलता है, मेरे को उन्हें एक अच्छा डायलॉग मारते हुए रहमान भाई सीख लो, ये चीज सीख लो, ये तुमको कोई सिखाएगा नहीं, तो वो चीज मेरे लिए बहुत क्लिक हुई उस टाइम पे मेरे को, तो वो चीज मैंने सीखा। तो देखो माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, right. और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, right. जितना तुम सीखोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे। तो मैं अगर 50 साल का भी हो जाऊंगा तो मैं भी सीखूंगा, फिरोज भाई को भी सीखने मिले जी। तो सीखना तो बहुत जरूरी है, right. मैंने बेशक बोल दिया, खलास, माफी मुश्किल, जय माता खलास, राइट। चलो बकरे देख लेते एकदम, माशाल्लाह क्वालिटी
अरे भाई अल्लाह बस माशाल्लाह बोलो भाई, मैं तो बोलो कैमरा में जो भी लोग देख रहे हैं सब माशाल्लाह बोलो। यहाँ पे बैठा है सिंह, देखो माशाल्लाह बकरे की। खस्सी बकरों में मतलब लोग बकरे लेकर तो आते हैं लेकिन सिक्का, वहाँ से सलीम भाई बराबर से आवाज दे रहे हैं एकदम। ये सब फिरोज भाई का एक्सपीरियंस है जो भी है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग। तर गुलाबी, तर गुलाबी, ये बकरा देखो माशाल्लाह सीना वगैरह मतलब बनावट देख रहे हैं अगर बकरे की बनावट दिखती है सामने से लेके। ये बकरे ना अगर आप दिन में एक बकरा इसमें से अगर बाहर निकाल के छोड़ दूंगा आप लोग हमें कितना बड़ा बकरा। हाँ वो ये बकरे इतने बड़े हैं ना, हाँ। ये यहाँ पर जितने बड़े दिख रहे ना उससे ज्यादा बड़े बिकॉज ये झुंड में इतना नहीं मालूम पड़ता। ये सब ऑलमोस्ट 95 केजी के बकरे, राइट। और सबके आप फ्रेम देखो ना, वही मैं देख रहा हूँ। ये सामने से बना हुआ है तो पीछे तलक जा रहा है और ये चारों छेद आते हैं भाई, इसमें कोई भी आठ दांत का बकरा नहीं है, चार छह दांत के बकरे हैं। इसको पलटी करने के लिए भी ये परफेक्ट है। अच्छा, कोई लेके सोचता है कि चलो मैं अगले साल के लिए इसको पलटी करूंगा तो आज जो 90-100 किलो के बकरे इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे उसको 125-150 तक लेके जाए इंशाल्लाह। फिरोज भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए। अब ये मैं गांव का सवाल पूछ रहा हूँ, आप जंगल काफी घूमते हैं तो बेसिकली वहाँ पे दो या चार दांत की बकरे कुर्बानी करते हैं जो गांव वाले लोग होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या उन लोग का बोलना ये कि गोश्त कौला होता है, ये एक्चुअल में बात ये है कि कुछ और बात है? देखिए ऐसा है ना कि दो दांत का जो बकरा है वो उम्र में कम होता है, सबसे पहली बात जी। दो दांत का जो बकरा है अभी फॉर एग्जांपल अगर समझो वो 70 किलो का है या 60 किलो का है तो वो काफी मतलब अपने खूब मतलब फुल मतलब जवानी में है, राइट। दो दांत का बकरा, और ये जो 70-80 किलो का बकरा 8 दांत पे होता है या 6 दांत पे होता है या पूरे दांत पे होता है वो गोश्त में, और ये गोश्त में थोड़ा सा। लेकिन अभी बोला जाता है कि नस्ल भी इम्पोर्टेंट है और उससे फर्क नहीं पड़ता है, 6 दांत के बाद ही बकरा बनता है, ये सब भी सवाल आते हैं। हाँ कोई कोई बकरा होता है ऐसा 6 दांत के बाद ही मतलब अपना जो ग्रोथ है वो बढ़ाता है, तो उसमें फर्क पड़ता है गोश्त में? फर्क तो पड़ेगा ना, ये मैं आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। 20 साल वाले में एक 20 साल का जो 20 साल का जो एक कोई है 20 साल और 50 साल वाले में फर्क तो होगा, राइट। यही बात है, मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा इस बारे में, सॉरी इंटरव्यू। अभी आप एक आदमी को कोलम चावल पसंद है 60 रुपए किलो वाला, वही आदमी को तुम 30 रुपए किलो वाला दोगे तो नहीं खाएगा, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे भी है वो 30 वाले कनी ही खाएंगे, उनको 60 वाला तो बोले क्या दिया है, 30 वाला एक नंबर। तो दो दांत खाने वालों का और 8 दांत खाने वाले और 6 दांत खाने वाले भी होते हैं, जिनको 6 दांत का गोश्त पसंद आता है वो 2 दांत का नहीं खाएंगे, बोले एक कौला क्या है तो गल गया सिटी में, मेरे को तो चाहिए मस्त, तो वो भी चीज है। तो इसमें हर तो रहमान भाई इसमें जितने बकरे हैं मतलब ये तो माशाल्लाह 200 बकरे हैं यहाँ पे, इसमें जितने बकरे ये पलटी हो सकते हैं अगले साल के लिए? इसमें ऑलमोस्ट 80-85% पलटी होने वाले बकरे, 80-85%। 6 दांत के बकरे भाई 8 दांत के बकरे पलटी होता है मत समझो, राइट। जिसको 130-140 से ये ना वो 8 दांत के बाद पलटी कर, तो ये तो अभी 6 दांत पे 4 दांत पे, तो ये तो 99% सब बकरे पूरे पलटी है। फिरोज भाई आपका एक्सपीरियंस है खस्सी बकरों में, तो ये जो बकरे 4 दांत 6 दांत पे अभी 85-90 केजीस पे खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है अगले साल तक ये 120-130 इजी लग पहुंच जाएंगे और हाइट वगैरह भी लेंगे? हाँ अच्छी खासी हाइट लेंगे, मेरे पास एक अभी स्टॉक है जी पुराना, मेरे पास करीबन 100 बकरे का लॉट है जो सिर्फ 2 दांत पे, सिर्फ 2 दांत पे, सिर्फ 2 दांत, 65 केजी की पट्टी है, 65 केजी की पट्टी 2 दांत से, 68 किसी को पूरा लॉट भी चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट कर सकता है, हम पूरा लॉट का पूरा लॉट जो है मेरा वो 2 दांत पे, पूरा का पूरा लॉट कराऊंगा, ये बात दिखा के लाइव बकरे की एक एक बकरे के दांत दिखा दिखा मतलब फिरोज भाई भी फुल एकदम मूड में है इंशाल्लाह इनसे जब हाँ लोग जो है सिर्फ बोलते हैं 2 बकरे दिखा के बोले 200 बकरे मेरे पास, मगर मैं लाइन I like it. दिखा के 2 दांत के बकरे 80 तो इनके दूंगा, और भाई भाई मैं तो गवाह हूँ कि मैंने लाइव देखा हो, राइट। तो हमारे खरीदे हुए बकरे मेरे को दिखाया हूँ, मेरा जो नेक्स्ट जो लॉट आने वाला है वो दिखाया हूँ मैंने, रहमान इतना रहमान में ये कैसा रहेगा, बोले ये तो पूरे बकरे पलटी के लायक, पलटी के लायक ये अभी आप जितना जितने बकरे इनको 6 दांत या 2 दांत पे दिखाओगे ना ये सब बोलेंगे पलटी कर दो, ये देखो ये बकरा 4 दांत, हाँ यार 4 दांत, 4 दांत पे ये बकरा, ये 90 किलो के आसपास है, 90 केजी माशाल्लाह। यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे क्वालिटी की बात आ गई, तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा माशाल्लाह ट्रेंडिंग में चल रहा है फार्म। सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है आपको माल देख कर? बहुत मजा आया माशाल्लाह, सेटअप बहुत प्यारा है।
कौन मारेगा भाई? मारने के लिए एक बार जाके अंदर से वापस आना पड़ेगा। भाई ये हमारे मतलब फ्रेंकली मैं बोलना चाहूंगा, आसिम शेख के चैनल पे भी मैंने बोला अगवान भाई ने भी अलहमदुल्ला मेरे जो दो महीने के ट्रेनर बहुत सपोर्ट किया, इवन समीर है, समीर भाई यहाँ पे खड़े सबने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया। अभी तो ट्रेंडिंग में चल रहे ना समीर, ट्रेंडिंग में। अच्छा आसिम भाई हमारे टीम के लीडर है, टीम के लीडर है रॉकी भाई, रॉकी भाई। और यहाँ पे देखो पीछे से खड़े है, ये स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर। ओ सही है, सही है। आपका आपसे मैं पूछना चाहूंगा अशरफ भाई, अशरफ भाई आपका काफी एक्सपीरियंस है खस्सी बकरों में भी, आप भी काफी माशाल्लाह। अरे यार माशाल्लाह, लेकिन क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा बकरे अभी तक अगवान पे ही है। सीजन में जो सबसे पहला खस्सी का लॉट आया जी तो अगवान पे आया, और खस्सी का क्या ईद का लॉट आया। ये एकदम साइलेंट कर रहे हैं, क्या बात है, बीमार है भाई मेरा। अच्छा तो आपको 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 क्या लगता है मतलब बकरे देख करके दो दांत चार दांत अच्छे भाई, बहुत कुछ बोलने लायक नहीं है। ये कमान देखो ना, ये मेरा इसका नाम है खलीफा, 110 किलो में खड़ा है। क्या तैयारी है, सीना वगैरह देखो, तैयारी बहुत जबरदस्त यार। साइज देखो बकरे की भाई, ये बाकायदा लॉन्च होने वाला बकरा है, लेकिन इंशाल्लाह बाद में आप इसका वीडियो बनाना इंशाल्लाह। मेरा फेवरेट बकरा है, मतलब पूरे पहाड़े का शान है, शान पर जिस किसी को भी चाहिए रहेगा तो वो ये नक पे भाई, ये किलो पे नहीं है। अच्छा तो खलीफा माशाल्लाह अभी 6 दांत लगाया, 4 पे था, 6 फ्रेश लगाया, तो ये भी पलटी के लिए अभी भी 105-110 के बीच में है ये। अच्छा और माशाल्लाह बकरा गर्म भी है, ऐसा भी नहीं की एक्टिव माशाल्लाह भाई, फुल पैरों का कमर का एक नंबर है। फिरोज भाई बकरे काफी जो होते हैं ना हाँपने लगते हैं, खस्सी बकरे होते हैं और बड़े होते हैं जैसे कम दांत पे भी और ज्यादा वेट ले लेते हैं कभी कभार, तो वो भी एक इशू आता है खस्सी बकरों पे मैंने देखा है, तो ऐसा कुछ इशू देखने मिला आपको अभी तक, और उसका 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 हल क्या है, उसका हल क्या है वो चीज का? जैसे कि अभी ज्यादा वेट होने पे उसकी फैट लेवल जो है उसका बढ़ जाएगा, चर्बी अगर बकरे में ज्यादा बनती थी, चर्बी का जो फैट लेवल अगर अगर होता है, अगर उसके लेवर पे अगर वो ज्यादा होता है तो उसमें तकलीफ भी होती है। बट अगर बकरे की उमसी जेनेटिक पे, अभी आप बोलते हो 2 दांत में 80 किलो, तो 2 दांत में 80 किलो बकरा बनता क्यों है? खाने से नहीं बनता है, उसकी जेनेटिक है। अगर मेरे बाप दादा लंबे है ना तो मैं भी वो लंबा होने वाला, मैं नटिया नहीं रहूंगा। सो जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये बकरे की 4 दांत में, तो इसका जो ब्रीडर रहेगा जो बकरी से क्रॉस किया वो भी क्वालिटी है, अगवा ना क्या बोलते, जब क्वालिटी रहेगी तो इतना बड़ा आएगा, अगर कट्टू पर डालेंगे तो इतना बड़ा आएगा। भाग जाएगा तुम्हारे को देख के, ये सामने का बनावट देखो, बनावट देखो माशाल्लाह बकरी की क्वालिटी देखो इसकी माशाल्लाह। तो ये रेडी बकरे है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको भराई की, ये सेल्फ फीडिंग पे और माशाल्लाह खाते पीते बकरे, और ये गुलाई देखना बकरों की, ये कोई पानी वानी पी के टुसाए नहीं है, ये बकरे ऐसे ही है। कल सुबह भी वीडियो बनाओगे ना, ये सुबह भी ऐसी दिखेंगे, ऐसी दिखेंगे, हाँ ऐसी दिखेंगे। तो ये बाड़े में जो बकरे, अरे यहाँ पे कोई तो स्पॉट हो गया, हा? अरे यहाँ पे कोई स्पॉट हो गया, चुष्पा भाई, अस्सलाम वालेकुम, मेरा भाई ओपनिंग पे आया माशाल्लाह, ये रत्नागिरी से आया भाई, फ्रॉम रत्नागिरी, रत्नागिरी स्पेशली फार्म पे ओपनिंग पे आए फिरोज भाई से मुलाकात, चुष्पा भाई हमारे हो जाए कुछ शायरी हो जाए यार, एक शायरी हो जाए, शायरी हो जाए यार, एक शायरी। अरे भूखे आए भाई, अरे एक्सक्यूज मी भूखे आया है, भूखे देंगे आप ही ठीक करके दे दो। क्या बोलते हैं चुष्पा भाई, अरे अभी छोड़ तो दो यार, पकड़े रहेंगे क्या तुम, वजह
खाने का नहीं यार। हाँ नहीं खाने का नहीं खाएंगे मेरा कम हो गया। अरे झंड हो गया यार, मेरे लिए कम किया मेट में ना, ये झंड हो गए लेकिन। अरे सुषमा की शायरी प्लीज। हाँ प्लीज। अरे यार हो जाए ऐसा नहीं, ओपनिंग पे एक शायरी हो जाए। तेरे बेचैन दिल को करार हम देंगे, जो जमाने से ना मिला वो प्यार हम देंगे। क्या बात है। तेरे हाथों से कत्ल होने का जी जाता है, तो हो जा हाथ तो बड़ा तलवार तुझे हम देंगे। ओ क्या बात है। हाय एक नंबर बड़ी नंबर भागो फेल कर दिया, भागो को फेल कर दिया भाई। बहुत माशाल्लाह भाई, शायरियाँ चलती रहेगी। अभी तो आए हैं, तो है। माहौल बनेगा, बीच बीच में शायरी ले लेंगे हम। शायरी लेते रहेंगे भाई, शायरी निकलेगी। नहीं माशाल्लाह, सी दिस इज व्हाट आई लाइक, ये होना चाहिए, थोड़ी खुशी और थोड़ा मजा, थोड़ी मस्ती, थोड़ा मैजिक अगर चलेगा वीडियो में तो लोगों को अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है। आज लोग मेरे को बोलते हैं आप मस्ती मजाक तो करना ही, बिकॉज सी व्हेन यू ओपन अ यूट्यूब चैनल, अगर आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तो आप बकरे तो यार दुनिया दिखाती है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट राइट। थोड़ा पानी पीते तो इसके साथ में वीडियो को एंड कर देते हैं, एंड करते हैं। इसके बाद में और लोग आएंगे तो और खुदा हाफिज़, सुबह वापस और थोड़ा स्पाइसी।